ये काजू है, ये आप देख सकते हैं। ये चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट मेरी फेवरेट है, काजू भी मेरे फेवरेट है। और ये देखा जाए तो गिफ्ट है, तोहफा है। और सर्दियों क्या गर्मियों दोनों सीज़न में जो काजू है, इसके खाने का टेस्ट अलग है। कुछ लोग इसके बहुत बड़े लवर होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। और ये कंपनी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये चॉकलेट्स हैं, ये भी बहुत अच्छी और टेस्टी है। इसको भी मैं खोल कर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये गिफ्ट मिला है मुझे, तो मैं इसको ज़ाहिर है अभी यूज़ करूँगी। और ये गिफ्ट भी मेरी अम्मी ने, जिन्हें जो कि मेरी मदर इन लॉ है, बट मैं उन्हें अपनी अम्मी कहती हूँ, बिल्कुल मेरी मदर की तरह है। ये उनकी तरफ से जो है मुझे दिया गया है। ये चॉकलेट्स भी लेकर आई हैं और ये भी लेकर आई हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे। और ये उनका प्यार भरा तोहफा जो है, ये उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे चॉकलेट्स, मीठा, मिठाई बहुत पसंद है। तो वो आज आई थी और वह ये लेकर आई हैं, ये आप देख रहे हैं। और बाकी ये कि मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसे लगे तोहफे, क्योंकि ये तोहफे तो वैसे ही बहुत अनमोल है। वो इस वजह से कि जब कोई माँ अपनी बेटी को तोहफा देती है, तो वो और ही ज़्यादा अनमोल हो जाता है। और मेरे लिए तो ये वैसे ही बहुत अनमोल है, और वो भी किसी की पसंद का दिया जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी खुशी, अपने गिफ्ट्स जो मुझे मिले हैं मेरी अम्मी से, मेरी मदर इन लॉ, मैं उन्हें कभी भी सास नहीं कहती, बिकॉज़ वो मेरी अम्मी और अम्मी की तरह समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटियों की तरह प्यार दिया है। और उस प्यार का सबूत आप ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे वो लेकर आई हैं काजू, और ये मेरे लिए चॉकलेट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे मुझे मिठाई पसंद है, कुछ लोग मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन असल चीज़ ये कि उनकी प्यार और मोहब्बत, उनका खलूस है, कि उनको लगा उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे एक माँ अपनी बेटी को करती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ, कि खुदा की ज़ात सबकी बच्चों के नसीब अच्छे करें। और सब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जी मदर इन लॉ जो है वो अच्छी नहीं होती, होती होंगी, बट इस केस में मैं आई एम वेरी लक्की कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनके साथ अच्छे रहेंगे, तो वो भी आपके साथ अच्छी रहेंगी। बट अगर मैं आज बात करना चाहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरी तो मदर इन लॉ को, मैंने कभी भी अपनी मदर इन लॉ को मदर इन लॉ समझा ही नहीं है। मैं उन्हें ऑलवेज़ अम्मी जी बोलती हूँ, वो मेरी बिल्कुल अम्मी की तरह, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, एक प्रैक्टिकली प्रूफ भी है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं कि वो कितना ख्याल रखती हैं और वो क्या क्या लेकर आती हैं मेरे लिए, तो रियली आप लोग सबके सब शॉक हो जाएंगे। बट मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आप लोग अपनी आंखों से देखें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आजकल की जो दौर है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद भी देखा है कि लड़कियों को और लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई सास ससुर अच्छे नहीं मिलते। बट मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी लक्की। सास ससुर तो मैं उनको नहीं कहूँगी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, और वो मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं, या मैं इस मैटर में कितनी लक्की हूँ, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ भी हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।